एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना बताएंगे, 0 से 3 मंथ बेबी के आने वाले हैं। अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है तो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके देखें। हमने एक वीडियो और भी बना रखा है, सेम डिज़ाइन डाल रखी है, थोड़े बड़े बच्चे का हमने बनाया है। अगर आप ये वाली जैकेट बनाना चाहते हैं, वाइट कलर की जैकेट है, तो इसका वीडियो भी आपको इसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके देखें। बहुत प्यारी सी जैकेट है, बड़ा साइज हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बड़ा साइज है। अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है तो ये वाली वीडियो देख लें, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आपको कैसी लगी फ्रॉक मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, नहीं देखें तो सारी वीडियो जाके देखें, चैनल ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने 3.5 mm हुक ले रखा है और ग्रे कलर की ऊन ले रखी है। साइज 0 से 3 मंथ बेबी का है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद 1, 2, 3 और ये लास्ट 4 चेन बना के फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे। और इस तरीके से देखिए, पहले हम एक फंदा निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, देखिए, फिर ये 2 निकालेंगे। इस तरीके से हमें 2-2 करके फंदे निकालने हैं, देखिए। फिर एक इस फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, देखिए, फिर 2 निकालेंगे। फिर से देखिए, हम फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, पहले एक फंदा निकालेंगे, ये फर्स्ट वाली चेन में डाल के पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर ये 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। तो इस तरीके की चेन हमने अपने नए वाले चैनल ऑल फैशन टिप्स पर बताया है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आए तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके देखें, या फिर टाइप करें ऑल फैशन टिप्स, जो कि मेरा नया चैनल है। जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ, मेरा नया चैनल है, उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में हमने डाल रखी हैं, और आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। तो जाके देखें, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो अब हम चैन बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने 40 जो है डबल क्रोशिया बनाई हैं। तो इस तरीके की जब चैन बनाते हैं तो इसमें 7 डबल क्रोशिया भी बनती जाती हैं। तो 0 से 3 मंथ बेबी का साइज है, इसलिए हमने 40 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर 1, 2, 3 चैन लेके इसको घुमाएंगे। फर्स्ट वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और चैन को काउंट किया तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, देखिए, 1 और ये 2। अब 2 चैन के बाद हमें फंदा बढ़ाना है। 2 चैन में हम 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए, इसमें 1 बनाया, इसके पास वाली चैन में भी हम 1 बनाएंगे। यहाँ पर 2 चैन के बाद तीसरी वाली चैन में हम फंदा बढ़ाएंगे, देखिए, 2 के बाद अब तीसरी वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, देखिए, ठीक है। तो अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, दूसरी रो में हम 2 चैन के बाद तीसरी वाली चैन में फंदा बढ़ाएंगे, 1 और ये 2, 2 के बाद तीसरी वाली चैन में फंदा बढ़ाएंगे इसमें। इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, 2 के बाद इसमें फंदा बढ़ाएंगे, देखिए, 2 के बाद हमें फंदा बढ़ाना है। इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, तीसरी रो में आपको दिखाएंगे क्या करना है। तो हमने यहाँ पर 2 रो कंप्लीट कर ली हैं, अब हमारी तीसरी रो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और ये लास्ट में हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना रखी हैं। तो तीसरी चेन में हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 3 चेन बना के इसको घुमाएंगे और चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया हो गई, इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, और ये 3 के बाद फंदा बढ़ाएंगे, देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथी वाली चेन में हम फंदा बढ़ाएंगे, इसमें फंदा बढ़ाएंगे, इसमें 2 बार बनाना है, 1 और वापस इसी जगह फिर से बनाएंगे, 2 हो गई, ठीक है। फिर से हम 3 चेन में 1-1 बनाएंगे।
चेन में एक एक बना लिया। और चौथी वाली चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और वापस इसी जगह बनाएंगे, दो हो गई ठीक है। फिर से तीन चेन में हम एक एक बनाएंगे, चौथी वाली चेन में दो बनाएंगे ठीक है। ये चौथी वाली चेन है, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, दो हो गई ठीक है। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर चौथी रो में आपको दिखाएंगे क्या करना है। तो तीन रो हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब चौथी रो में देखिए हम चार के बाद फंदा बढ़ाएंगे ठीक है। तो सबसे पहले तीन चेन बना ली और सेम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस देखिए एक चेन में दो डबल क्रोशिया हो गया। अब चार चेन में हम एक एक बनाएंगे, चार चेन के बाद फंदा बढ़ाएंगे। देखिए चार चेन के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे, चार चेन में एक एक बना लिया, एक पांचवी चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस इसी जगह एक और बना लिया ठीक है। तो चौथी रो है, चौथी रो में हम चार के बाद फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए चार चेन के बाद पांचवी चेन में हम फंदा बढ़ाएंगे, देखिए एक दो तीन चार, पांचवी चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और वापस इसी जगह एक और बना लिया ठीक है। तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं। तो देखिए एक दो तीन चार, चार रो कंप्लीट हो गई। पांचवी रो में फिर से हमने तीन चेन बनानी है कि तीन चेन बना के सेम इसी जगह डालेंगे और एक चेन के अंदर दो डबल क्रोशिया हो गई हैं ठीक है। अब हम पाँच के बाद फंदा बढ़ाएंगे, देखिए एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच के बाद हमें फंदा बढ़ाना है। छठी चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें बनाएंगे देखिए एक वापस इसी जगह एक बार और डाल के बनाएंगे ठीक है। तो पांचवी रो में हम पाँच के बाद फंदा बढ़ाएंगे, फिर देखिए एक दो तीन, तीन हो गई चार और ये लास्ट पाँच, पाँच के बाद छठी चेन में हम फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए पांच डबल क्रोशिया हमने सादा बना ली, इस चेन में हम दो बनाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। तो इस तरीके से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो हमने पांच रो कंप्लीट कर ली है, देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच रो बनाने के बाद अब हम इसको ज्वाइन करेंगे और हम अगर इसको काउंट करें, डबल क्रोशिया को काउंट करें तो हमारे पास 94 डबल क्रोशिया हैं ठीक है। 94 डबल क्रोशिया हमारे पास इस समय यहाँ से लेके यहाँ तक है ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक दो तीन, तीन चेन ले ली और चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई ठीक है। अब इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये दो डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके पास वाली चेन में डाल के बनाएंगे तो तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगी देखिए। फिर इसके पास वाली चेन में डाल के बनाएंगे तो चार हो जाएंगी, पाँच छः सात, हम टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने ये 13 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, यहाँ से लेके हमारे पास दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये 13 डबल क्रोशिया हैं ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए एक दो
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। इक्कीस चेन छोड़ के 22वीं चेन में डालेंगे। देखिए 22वीं चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लिया, मुड्ढा हमारा ज्वाइन हो गया है। ठीक है, दो तीन टोटल 26 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, इसमें हमने 21 छोड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 26 डबल क्रोशिया हमारे पास हैं। ठीक है, 26 डबल क्रोशिया हैं। अब देखिए हम फिर से 21 चेन छोड़ेंगे, से हम देखिए 21 चेन छोड़ेंगे और 22वीं चेन में डालेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये लास्ट 13। ठीक है, ये 13 डबल क्रोशिया बना ली, इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 26 डबल क्रोशिया आगे हैं। ये 26 डबल क्रोशिया हैं, बैक साइड में भी 26 डबल क्रोशिया हैं और बाजू पर हमारे पास 21 हैं। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, और अब हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, दो रो हमें बनानी है। ठीक है, तो हमारी चोली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक दो तीन चेन लेके और इस फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो दो हो गई, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ बनाएंगे। तो जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है। और इसकी अगली रो भी सेम ऐसी ही बनानी है, जितनी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक रो और बनाएंगे फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने ये चोली कंप्लीट कर ली है, इतनी हमारी चोली बन गई है। अब हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो घेरा के लिए देखिए क्या करेंगे, इतना बन गया हमारा। तो घेरा देखिए कैसे स्टार्ट करना है, इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद आपको बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा हम आपको पास से दिखा दें। देखिए यहाँ पर एक चेन लेकर इस फंदे को हम खींचेंगे, खींचने के बाद इसको इस तरीके से हम पकड़ेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे। इसके बाद इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, फिर से धागे को खींचेंगे थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से फिर से खींच लिया, इसको यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको ले जाके दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डालना है। देखिए एक और ये दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, एक दो चेन छोड़ के हमने तीसरी चेन में ज्वाइन किया है। फिर से देखिए इस धागे को खींच लिया, इस तरीके से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे, फिर इस तरीके से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर और इसको ले जाके ज्वाइन करना है हमें। एक दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। जो दो फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है,
फिर से खींच लिया, इस तरीके से पकड़ेंगे, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर से देखिए इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको ले जाके दो चैन छोड़कर एक और ये दो, दो चैन छोड़ के तीसरी वाली चैन में डाल के ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, तो इसी तरीके से हमें दो दो चैन छोड़कर इस रो को कंप्लीट करना है। एक बार और दिखा दें हम आपको, इसको खींचेंगे इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से धागे को खींचेंगे, इसको पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से दो चैन छोड़ के तीसरी वाली चैन में डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, और इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। आगे दिखाते हैं, जब आपकी पूरी रो बन जाएगी इसको देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे इस जगह पे। फिर से धागे को खींचकर इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे इस वाली डिज़ाइन के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, इसको खींच लिया, खींच के इस तरीके से पकड़ेंगे, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर से इस धागे को खींचेंगे और इसके अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब इसको ले जाके देखिए ज्वाइन करना है हमें, ये जो डिज़ाइन बनाई है इसके बीच में यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पर। तो अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, इस तरीके से ज्वाइन कर लिया, फिर से धागे को खींचेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से धागे को खींचेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे हम यहाँ पर, ये डिज़ाइन है इसके बीच में यहाँ पर ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर से देखिए इस तरीके से खींच के इसको पकड़ेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा, अभी हो सकता है आपको टफ़ लग रहा है बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसको ले जाके हम इसके अंदर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो इसी तरीके से हमें सारी रो बनाते जाना है, जितनी भी आपको लंबाई रखनी है फ्रॉक की उस हिसाब से बना लें। तो तीसरी जो रो चलेगी उसमें हम सेम डिज़ाइन बनाते हुए इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से बना के यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरीके से जितनी लंबाई आपको फ्रॉक की रखनी है उतनी बना लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने इतनी लंबाई इसकी बना ली है, 9 रो बनाई है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लें। अब देखिए दूसरी लेयर कैसे बनानी है, इसको रॉन्ग साइड से करेंगे और यहाँ पर जो हमने दो दो चैन बीच में छोड़ी थी इसमें से एक चैन में हम उनको ज्वाइन करेंगे। ये दो चैन जो हमने छोड़ी थी इसमें, इस वाली चैन में डाल के, ये दो चैन है इसमें डाल के उनको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। उनको ज्वाइन करने के बाद इसको खींच लिया, इस तरीके से पकड़ के एक इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तार को खींचेंगे जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, और इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे जो हमने दो चैन छोड़ के ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर हम ये देखिए एक और ये दो, दो चैन छोड़ के तीसरी वाली चैन में ज्वाइन करना है, ठीक है यहाँ पर। ज्वाइन करने के बाद फिर से हम तार को खींचेंगे इस तरीके से पकड़ के, फिर इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम तार को खींचेंगे, देखिए फिर इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसको ले जाके फिर से हमें दो चैन छोड़ के ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर दो चैन छोड़ेंगे,
यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर से यहाँ से बनाएंगे ये दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में बनाना है। देखिए दो चेन छोड़ेंगे, एक और ये दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डाल के बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। पूरी रो कंप्लीट होने के बाद इसी जगह हमें ज्वाइन करना है, फिर से तार को खींचेंगे और एक बार डिज़ाइन बना के इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे इसके ऊपर। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए को ले जाके ज्वाइन करेंगे इस डिज़ाइन के बीच में, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इसको खींचा और यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसको खींच के इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना के इसको ले जाके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से हमें इसको बनाते जाना है। फर्स्ट रो हमने फर्स्ट जो लेयर है वो हमने 9 रो की बनाई है, अब जो दूसरी लेयर है वो हम 7 रो की बनाएंगे, दो रो कम करके बनाएंगे। देखिए हमने बना ली है, यहाँ पर पहली जो लेयर है वो 9 रो की बनाई है, दूसरी हमने 7 रो की बनाई है, 7 रो की बनाई है। और अब हमने एक किनार बना ली है, हम आपको किनार बनाना बताएंगे, गले पर बताएंगे, जैसे गले पर बनाई है सेम हमने वैसे ही बाजू पर बनाई है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके एक चेन लेकर सेम इसी जगह हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसके बाद हम एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर वापस इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर देखिए एक चेन छोड़ के यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर वापस इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन छोड़नी है सेकंड वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं, दो दो करके जो फंदे निकालते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं, ठीक है। तो एक एक चेन छोड़ना है, एक चेन छोड़ना है सेकंड वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेके वापस इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा हम गला कंप्लीट करेंगे, नीचे तक लेकर आएंगे इसको, फिर ऊपर तक लाके यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो हमने ये बना लिया। अब देखिए हमने फूल के लिए पत्ती बनाई है और ये फूल बनाया है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके देखें। फूल हमने बनाना पहले बताया था, अगर आपको सीखना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके देखें। अब इसको हम अटैच करेंगे इस तरीके से लगा कर और फ्रॉक में लगा देंगे यहाँ पर। तो ये कैमरे में ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है, बट रियल में ग्रीन कलर भी दिख रहा है। तो बहुत प्यारी सी फ्रॉक बन गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, जब तक आप इसको एंजॉय करें। और हाँ, मेरे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें।